नमस्कार नमस्कारम, आप सभी का रानी हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानती हूँ थोड़ा लेट हो गया है, बट क्या करे, राधे श्याम का ट्रेलर अभी थोड़ा 1-2 घंटे पहले ही रिलीज़ हुआ है और मैंने सोचा कि हम उस पर रिएक्ट करेंगे। आपको पता है मूवी का नाम है राधे श्याम, बेसब्री से इस मूवी का इंतज़ार हो रहा है। ये ट्रेलर हिंदी में है तो हम रिएक्शन हिंदी में देंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सुन, अगली बार माँ पूछेगी तो कह देना मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है। I love you, Aditya. Don't. I just want flirtation. अपने आप को रोमियो समझते हो? नहीं, I don't fall in love. ये प्यार व्यार मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैं जूलियट हूँ, मुझसे प्यार करोगे तो जरूर मरोगे। आखिर कौन है ये गुड लुकिंग बैड फेलो? द ग्रेट विक्रमादित्य। विक्रमादित्य? आई कॉल हिम द आइंस्टाइन ऑफ पामिस्ट्री। कहते हैं इन्हें समय से आगे दिखता है। जॉन लेनन ने तुम्हारा ऑटोग्राफ लिया। यहाँ एक ज्योतिषी है जिसे विश्व के सारे महान नेता मिलना चाहते हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक क्या होगा सब पढ़ लिया मैंने। तुमने सारी दुनिया को पढ़ लिया है, अब देखना है मुझे कितना पढ़ सकते हो। पर हाथों की लकीरों में तारों को सजा हो पहली बार देख रहा हूँ। I witnessed a miracle. Obviously. जब से तुम्हें मिलने लगी हूँ हर मिरेकल को मानती हूँ। You're in love, Prerna. प्यार तुम्हें ढूंढ लेगा, लेकिन उस प्यार को पाने के लिए तुम्हें उसी प्यार से लड़ना पड़ेगा। I love you, Aditya. प्यार किस्मत से लड़कर जीत सकता है? क्या हमारे किस्मत ने ही इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है जो प्यार जिंदगी दे सकता है? क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है? I love you, I love you, I love you. राधे श्याम 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 श्याम। चलिए वेट ओवर हो रहा है, मूवी आ रही है जनवरी 2022 में, यानी कि अगले महीने। अब इतना तो इस ट्रेलर से पता लगा है कि जो प्रभास है उनके कैरेक्टर का नाम विक्रमादित्य है, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड पामिस्ट है, दैट मीन्स ज्योतिष, और वो लोगों का भविष्य बताते हैं। पूजा हेगड़े राइट, यस पूजा हेगड़े उनका लव इंटरेस्ट है मूवी में और डॉक्टर की भूमिका निभा रही हैं। ये देख के मुझे लगता है कि ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और इन्होंने जॉन लेनन की बात किया है। देन आई गेस द मूवी इज़ बेस्ड इन 1970s एंड लोकेशंस यूरोप की हैं। अब स्टोरी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, बट मैं ट्रेलर देख के आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि इसकी जो पिक्चराइजेशन है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया गया मूवी है। हर जो सीन इस ट्रेलर में मुझे बताया है, मुझे वो ऐसा लगा कि किसी फेरी टेल से उठा के यू नो दे हैव पुट इट ऑन द सीन। मुझे इतने सुंदर इसकी पिक्चराइजेशन लगी है। आई थिंक दे वांटेड टू मेक इट अ वेरी लवी डवी मूवी, इसीलिए उन्होंने जो इनकी सीनरीज हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल लिया हुआ है। मैंने सुना है कि ये मूवी साइमल्टेनियसली हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में इन लोगों ने शूट किया था, सो दो दो बार ये मूवी शूट हुआ है, विच इज़ डबल द हार्ड वर्क। प्रभास
मैं हर राधे श्याम के किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट कर रही हूँ, मैं यही बता रही हूँ कि प्रभास बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं और अपने सिंसियर कैरेक्टर से निकल के इस तरह का लवी डवी रोल करना, एक रोमांटिक हीरो का रोल करना बहुत बहुत हमारे लिए इंटरेस्टिंग है उनको ऐसे देखना। पूजा हेगड़े उनको कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, वो भी बहुत सुंदर लग रही हैं और दोनों की केमिस्ट्री है जो इस मूवी की, वो इस ट्रेलर में अच्छे से देखने को मिलती है। अब पता नहीं ये पामिस जो हैं वो क्या रिलेटेड है, बिकॉज एंड में आते आते जो ये ट्रेलर था ये बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। टिपिकली मुझे वो शिप का सीन बहुत पसंद आया है, द वे दैट दे हैव फिल्म्ड इट, आई रियली लाइक इट। दिल में धक धक हो रही थी वो सीन देखते हुए। इन टोटैलिटी मुझे ट्रेलर पसंद आया है, मैं मूवी का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ कि ये मूवी की स्टोरी क्या है, बिकॉज ट्रेलर में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, बस उनकी रोमांस की बातें होती हैं और थोड़ा बहुत आपको एंड में आते आते वो काफ़ी इंटेंस हो जाता है। सो लेट्स सी व्हाट इट इज़। एज प्रभास सेज कि जो जिस जो आपको प्यार देता है वो आपका प्यार लेता भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो हमें सब देखने को मिलेगा। इट वुड बी एन एपिक लव स्टोरी आई बिलीव, शायद आशिकी के बाद ये वाली मूवी होगी जो इतनी इंटेंस होगी, बिकॉज आशिकी 2 इट्सेल्फ बहुत इंटेंस मूवी थी और मुझे कुछ कुछ हिंट दे रहा है कि उसी मूवी की तरह ये भी एक इंटेंस लव स्टोरी होने वाली है। पर इस ट्रेलर को लेके मेरा सफ़र आपके साथ यहीं तक का था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलें, हो सके तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर दें, और मुझे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।